शहीद समरसता मिशन द्वारा महाकाल की नगरी उज्जैन में जिले के 12 शहीद परिवारों का सम्मान समारोह विक्रम कीर्ति मंदिर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल गुरमीत सिंह, भगवताचार्य दिनेश व्यास, नीलकंठ धाम घटवास, कर्नल आशीष मंगरुलकर और शहीद समरसता मिशन के प्रेरणा स्रोत और संस्थापक मोहन नारायण मौजूद रहे। पिछले 3 दशक से समाज की उपेक्षा का शिकार रहे जिले के शहीद परिवारों का मिशन द्वारा ऐसा स्वागत किया गया जो कई दशकों तक याद किया जाएगा। दरअसल मिशन के साथियों द्वारा मौजूद शहीद के माता पिता और परिजनों का गंगा जल से पैरों को धोया गया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इस मौके पर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल गुरमीत सिंह रीटा भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी मिशन के संस्थापक मोहन नारायण के साथ पाद प्रक्षालन किया, जिसके सैकड़ों राष्ट्रभक्त साक्षी बने। साथ ही मिशन द्वारा शहीदों के परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस मौके पर डिप्टी जनरल गुरमीत सिंह ने युवाओं को अपने चित परिचित अंदाज में संबोधित किया। उन्होंने मिशन की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 15 अगस्त के दिन मिशन शहीद की वीरांगना को बंगला नुमा घर उपहार में देना और वीरांगना को हाथों की हथौलियों पर गृह प्रवेश करवाना उनके जीवन के सबसे भावुक क्षणों में से एक था। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। और इसकी जो आवाज है ना, कम से कम इस्लामाबाद, कम से कम बीजिंग, और बहुत नम्रता से, बहुत हम्बलनेस से स्वर्गों में हमारे जो 12 वीर बैठे हैं ना, वो अवश्य यहां थे, वो 12 वीर यहां थे। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो 12 परिवार, 12 शहीद यहां थे। कोई है जिसको विश्वास नहीं है कि यहां नहीं थे? हम सबको, पूरे समूचे परिवार को है कि आज तो अवश्य वो हमारे बीच में थे। तो उनको नमन करते हुए एक बार भारत माता की जय बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत माता के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो गला एक बार फिर साफ कीजिए। भारत माता की, देश पर मर मिटने वाले अमर बलिदानियों के सम्मान और उनके गौरव की समाज में एक भाव जागरण करने का काम शहीद समरसता मिशन पिछले 12 वर्षों से शहीद भगत सिंह जी की जन्म शताब्दी वर्ष 2007 से करता आ रहा है। उसी कड़ी में प्रदेश भर के कई शहीदों के सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें शहीदों की वीरांगनाओं के, उनके माता पिताओं के पैरों को गंगा जल से धोकर उनका वंदन किया जाता है कि उनके बलिदान के कारण देश टिका हुआ। ऐसा कार्यक्रम अभी उज्जैन में हुआ, 12 शहीद परिवारों का सम्मान और उनकी वीरांगनाओं का पाद प्रक्षालन। ऐसा अभी काम और संस्था के आगे क्या क्या योजना है? अभी उज्जैन चैप्टर जो है, उस उज्जैन चैप्टर ने 2 बड़े अभियान अपने हाथ में लिए। 1 चेक 1 साइन फॉर शहीद, उसमें शहीद गजेंद्र सुरवे जी, उनके पास अपना कोई मकान, निजी मकान नहीं है, चाल की जगह में रहते हैं और उसके नोटिस उनको लगातार मिल रहे हैं, तो उनको एक भवन निर्मित करके देना, ये एक अभियान लिया है। उसके हमारे संयोजक प्रदीप दत्तोदिया जी रहेंगे जी। ग्रामीण में बड़नगर के धर्मेंद्र बारिया जी हैं, उनके एक स्मारक स्तर हो जिस विद्यालय में वो पढ़े उसका नाम उनके नाम से, उसके लिए कैंपेन चलाने की घोषणा की। क्या नाम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।